स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड क्लास का इंग्लिश का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोनू एंड सोनू रीड इन क्लास सेकेंड, देवर इन देयर क्लास रूम। देयर इज अ फील्ड नियर द स्कूल, देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस फील्ड। देवर टॉकिंग अबाउट ट्रीज। जो मोनू और सोनू है वो कौन सी क्लास में है? सेकेंड क्लास में है, और वो उनके क्लासरूम में बैठ रहे हैं, और वहाँ पर जो क्लासरूम है उसके साइड में एक फील्ड है, मतलब एक जगह है, प्लेस है, जहाँ जमीन है, उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और सोनू और मोनू पेड़ पौधों के बारे में बातें कर रहे हैं। मोनू वॉज सेइंग दीज ट्रीज मस्ट बी कट डाउन, बट सोनू वॉज नॉट एग्री। He said these trees are very useful. They play an important role in our life. They began to quarrel. जो मोनू है वो कह रहा है कि ये सारे पेड़ों को काट देना चाहिए, तो जो सोनू है वो उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा है। वो उससे कह रहा है कि ये जो ट्रीज हैं इनको नहीं काटना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यूजफुल हैं, और ये इनका बहुत महत्व है हमारे लाइफ में, और वो घूमने लगते हैं दोनों। When the teacher came in the class, the other boys complained the teacher. Monu and Sonu were quarreling in the classroom. The teacher called them and asked the reason. After listening them, the teacher was also agreed with Sonu. He told the boys that trees play an important role in our life. जब क्लासरूम में टीचर आई तो वहाँ की जो बच्चे थे, बॉयज थे, उन्होंने सोनू और मोनू की कंप्लेन कर दी कि उन लोग क्लासरूम में घूम रहे हैं। तब टीचर ने उनको पास बुलाया उनके, और उनसे रीज़न पूछा कि आप यहाँ पर क्यों घूम रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम ये ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, और फिर उनने उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि वो सोनू की बात से एग्री करती हैं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कन्वर्सेशन है टीचर मोनू और सोनू के बीच का, ये हम रीड करेंगे। मोनू, हाउ आर द टीचर्स यूजफुल इन अवर लाइफ। मोनू पूछ रहा है टीचर से कि ये जो ट्रीज हैं ये हमारे लाइफ में कैसे उपयोगी हैं। तो आगे टीचर बता रही हैं, द ट्रीज गिव्स अस सैड, द चिल्ड्रन प्ले एंड द ट्रेवल्स टेक रेस्ट अंडर देम। द ट्रीज गिव अस फूड टू ईट, द ट्रीज गिव अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो ट्रीज हैं वो हमें छांव देते हैं, और जो बच्चे हैं वो ट्री के पेड़ जो होता है उसकी छांव में नीचे खेलते हैं पेड़ के नीचे, और जो ट्रैवलर्स हैं मतलब यात्री हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं वो वहाँ पर पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और पौधे हमें जो पेड़ होते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए, और ट्रीज हमें क्या लकड़ियाँ देते हैं, वुड देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। इसके नेक्स्ट है सोनू, यस्टरडे मिसेस शर्मा वॉज टेलिंग दैट द पेपर ऑन विच दिस बुक इज प्रिंटेड इज मेड अप ऑफ वुड। जो सोनू है वो बोल रहा है कि कल जो मिसेस शर्मा है वो बोल रही थी कि जो ये बुक के पेपर्स हैं, ये बुक में जो पेपर प्रिंट हुए हैं ये वुड से बने हुए हैं। टीचर, यस द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, द ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। जो टीचर है वो बोल रही है कि हाँ, ये जो पेपर्स होते हैं ये वुड से ही बने होते हैं, और ट्रीज हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं सांस लेने के लिए। मोनू, देन द ट्रीज आर द ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ अस। मोनू है वो कह रहा है कि ये जो ट्रीज हैं ये फिर हमारे बहुत अच्छे दोस्त होंगे। सोनू सर टेल मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। जो सोनू है वो बोल रहा है सर से कि आप और ट्रीज के बारे में और बताइए, ट्रीज का मैं। टीचर, द ट्रीज आर द कॉज ऑफ रेनफॉल। द ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू बर्ड्स एंड एनिमल्स टू। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज गिव्स शेल्टर टू बर्ड्स। जो ट्रीज हैं उनकी वजह से बारिश होती है, और वहाँ जो ट्रीज के ऊपर बर्ड्स हैं और छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज पर रहते हैं, जैसे बर्ड्स ट्रीज पर नेक्स्ट बना के रहते हैं उनके ऊपर, और जो उनकी ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो बर्ड्स के लिए शेल्टर होती हैं, मतलब घर होती हैं। सोनू, व्हाट इज अवर गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ट्रीज। सोनू पूछ रहा है हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्रीज के बारे में क्या कर रही है। टीचर, अवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स दैट द ट्रीज शुड बी प्लांटेड और ऑल ओवर द कंट्री। अ न्यू
provided for this purpose. It is called one Mahotsava. The trees are the green gold of the country. जो टीचर हैं वो बोल रही हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें बहुत जितना हो सके उतना पूरी कंट्री में प्लांट्स जो पौधे हैं उनको लगाना चाहिए, प्लांट्स प्लांटेड करना चाहिए, और ये ट्रीज के लिए एक जो फेस्टिवल है वो भी हुआ है, वो क्या है, वन महाउत्सव. और ट्रीज इसको इसका पर्पस क्या है, इसको कहते हैं हम ग्रीन गोल्ड ऑफ अवर कंट्री. मोनू, देन वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम. मोनू कह रहा है कि अब हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए. ये जो लेसन है ये खत्म हो गया. आपको भी जितना हो सके उतने ट्रीज प्लांट करने चाहिए और उन्हें पानी देना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए. इस लेसन में आपको जो कुछ भी समझना है आप वो हमसे पूछ सकते हैं, और इस लेसन की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी. थैंक यू.